स्टूडेंट्स, नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की जो वीडियो है हमारी, वो जो हमारे नेट एग्जाम को हमने टारगेट करते हुए कुछ जो मुख्य इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर अध्ययन करवाने की सोची, उसी के समक्ष मैं आपके समक्ष कुछ बिंदु लेके आई हूँ। या मैंने ये सोचा कि कुछ हमारे जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जो शायद हमने बीएड में भी पढ़े हैं, और अगर वो हमारे नेट से रिलेटेड हैं, तो उनका एक बार हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये बिंदु आज आपके लिए जो अपना टॉपिक है वो लेकर आई हूँ, क्योंकि जो 16 से 21 के बीच में हमारे नेट का पेपर होने वाला है, उसमें हमारा जो प्रथम पेपर है वो सबके लिए कंपलसरी होता है। बच्चों, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, उसके लिए फर्स्ट पेपर, जो मैंने आपको वीडियो में आपको बताया भी है कि फर्स्ट पेपर हमारे सभी विषयों के लिए कंपलसरी होता है, उसी को देखते हुए हम ये करते हैं कि हमारे जो नेट का एग्जाम है, हम किस तरह से उसमें कुछ फाइट हो सकता है हमारा, उसी को देखते हुए बच्चों ये वीडियो बनाई है। इसमें जो आज मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ, वो टॉपिक मैंने आपको थोड़ा पहले भी बताया है, इसीलिए मैं इसका रिवीजन करवा रही हूँ। आज है हमारा शिक्षण अभिवृत्ति। हमारा जो फर्स्ट पेपर आता है, इसमें शिक्षण अभिवृत्ति अभिक्षमता के नाम से, उसमें हमारा जो चैप्टर है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है, शिक्षा और शिक्षण, यानी शिक्षा क्या होती है, शिक्षण क्या होता है, इसकी क्या अवधारणाएं होती है इनकी, क्योंकि हमारे जो नेट का पेपर होता है उसमें हमें ये परिभाषाओं के तौर पर भी हमसे पूछ लिया जाता है कि शिक्षा की परिभाषा क्या है, शिक्षण का अर्थ क्या है, शिक्षा की जो परिभाषा है उनको किन दो भागों में उनका विभाजन किया है, या हम कहें कि शिक्षण की क्या क्या अवधारणाएं हैं। तो मैंने फर्स्ट यही समझा, क्योंकि हमारा जो पेपर आने वाला है, लेकिन ये टॉपिक जो है ये हमारा पढ़ा हुआ भी है, इसीलिए इसका रिवीजन भी हो जाएगा, यानी कि हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसीलिए मैंने आज आपके लिए ये टॉपिक चूज किया है कि ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। मैंने देखा शिक्षण जो हमारा टॉपिक है, शिक्षण अभिक्षमता, हम एक जो नेट का एग्जाम देते हैं हमारे लेक्चर्स, वो क्या है हमारे लिए, हमारे राष्ट्र और प्रगति की एक मानव संसाधन के रूप में हमारे विकास पर निर्भर होते हैं, क्योंकि इन्हीं के शिक्षक कहते हैं ना, शिक्षक जो होते हैं वो हमारे लिए हमारे राष्ट्र निर्माता होते हैं। तो अगर एक अच्छे शिक्षक होंगे, कहते जितना अच्छा हमारे शिक्षक होंगे, हमारे राष्ट्र का विकास उतना ही होता चला जाएगा। इन उद्देश्य की जो हम पूर्ति करते हैं, शिक्षकों को सदैव के लिए इस टारगेट पर रखते हैं कि वो हमारे देश की राष्ट्र निर्माता बने, एक अच्छे शिक्षक बने। ये है हम क्या करते हैं कि शिक्षक ही हमारे जो शिक्षार्थी होते हैं उनका मूल्यांकन करते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर एक अच्छा शिक्षक, जब तक हमारे अंदर खुद के अंदर स्वयं के अंदर वो गुण नहीं होंगे, तो हम अगर हमारे जैसा हम शिक्षक बनाना चाहें, तो जब तक वो गुण हमारे अंदर स्वयं के अंदर नहीं होंगे, हम वो गुण हमारे शिक्षार्थी में नहीं डाल सकते। किसी उच्च शिक्षण के संस्थान में हम एक सफल शिक्षक बनने के लिए योग्यता, बुद्धि और जो हमारी अभिवृत्ति है और जो हमारे वांछित गुण होने चाहिए, वो हमें एक सफल शिक्षक के रूप में बनाते हैं। और इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए एक अच्छे शिक्षक किस तरीके से बने, ये हमारे लिए एक अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है नेट का, कि हमारे लिए अच्छे से अच्छे शिक्षक चुने। मैंने बताया था आपको कि जो नेट का एग्जाम क्लियर करते हैं, नेट जो अध्यापक, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा है, इसको जो भी स्टूडेंट क्लियर करते हैं, वो हमारे लिए एक, जहाँ हम ये कहते हैं कि हमारे कॉलेज लेक्चर्स के रूप में, व्याख्याता के रूप में हमारे लिए कार्यरत होते हैं। तो बच्चों, जो हमारा आज का टॉपिक है पहला, वो है हमारा नेट का, सबसे पहला है हमारा शिक्षण अभिवृत्ति, या हम कहें शिक्षण अभिक्षमता, यानी कि शिक्षक की शिक्षण करवाने में, पढ़ाने में, क्योंकि शिक्षा क्या होती है हमारी, एजुकेशन, और शिक्षण क्या है हमारी, शिक्षण को हम क्या कहेंगे, हमारी टीचिंग, कि शिक्षक किस तरीके से टीचिंग
करवाते हैं। अभी क्षमता उनके अंदर ऐसी क्षमता किस क्षमता होनी चाहिए जिससे कि वो हमें एक अच्छे शिक्षक के रूप में जाने जाएं। तो आज जो हमारे सबसे पहला है शिक्षण, अगर हम शिक्षण को जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले शिक्षण से पहले हमें क्या जानना है, शिक्षा। क्योंकि शिक्षा किससे जुड़ी है, शिक्षण, क्योंकि शिक्षा के अंदर ही शिक्षण की प्रक्रिया होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले छोटा सा, क्योंकि शिक्षा का मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में शिक्षा की परिभाषा भी लिखवा दी थी और शिक्षा के अर्थ भी, आज हम सिर्फ और सिर्फ इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है सिर्फ उसके बारे में बताना चाह रही हूँ मैं। जहाँ सबसे पहला आता है शिक्षा, बच्चों शिक्षा के लिए हम कहते हैं कि शिक्षा का जो हमारा मूल अर्थ होता है, जिसका अर्थ हमें प्रदान किया गया है, उस शब्द की उत्पत्ति किससे होती, शिक्ष धातु से। शिक्षा की उत्पत्ति किससे होती, शिक्ष धातु से, शिक्ष धातु से। ये हमारा कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में भी, शिक्ष धातु से हुआ था, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति करना, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हमारे संस्कार, हम हमारे व्यवहार, और हमें इस चीज का निर्माण करना होता है कि हम किस तरीके से हम दूसरों से समायोजन, क्योंकि शिक्षा हमें समायोजन करना भी सिखाती है। तो वही चीज है कि जहाँ ज्ञान देती है तो ज्ञान तो हमें किन किन चीजों का देगी, वो हमें दूसरों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, समायोजन करना है, इसका भी हमें बताएगी। तो मेन चीज पर चलते हैं हम, कि शिक्षा का शिक्ष धातु से उत्पत्ति हुई थी, जिसका अर्थ होता है हमारा ज्ञान प्रदान करना, कि हम किस किस के माध्यम से हम ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे वातावरण में जो हमारे अंदर समायोजित करने की क्षमता विकसित करती है, वो विकसित हमारी कौन करती है, हमारा ज्ञान, हमारी शिक्षा। तो हम ये मानते हैं कि जो हमारे इसके अंदर जो महत्वपूर्ण योग्यताएं होती हैं, उनका विकास भी हम हमारी शिक्षा के माध्यम से करते हैं। हमारा परिवार, हमारे राष्ट्र का विकास, इस क्षेत्र में भी हमारा जो योगदान देती है, वो योगदान होता है हमारा शिक्षा। और शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, जो क्या होता है, शिष्य यानी कि शिक्षार्थी, शिक्षार्थी के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, अर्थात जो कि उसके लिए वांछनीय हो, सही हो। ये हमारी शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होता है शिक्षा देने का, वो होता है हमारा शिक्षार्थी के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। तो बच्चों ये कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है, तो हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि शिक्षा का उद्देश्य होता है शिक्षार्थी के ज्ञान व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। जो हमारे शिक्षक ही शिक्षक जो होते हैं, हमारे मूलतः हमारे शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहकर्ता के रूप में हमारा कार्य करते हैं, यानी शिक्षण का कार्य कौन करते हैं, हमारे शिक्षक। वो हमारे हमारी शिक्षा को सहज बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए वो इस क्रिया को करते हैं। अब हमने देखा है कि शिक्षा की जो परिभाषा है, कई शिक्षाविदों ने शिक्षा की परिभाषा को दो भागों में विभाजित कर दिया, संकुचित और व्यापक। संकुचित का मतलब हम देखें, संकुचित जो छोटा होता है, व्यापक का अर्थ अपने आप में व्यापक हो गया, जो विस्तार होता है। तो अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो व्यापक में होता है हमारा जो छात्र का सर्वांगीण विकास होता है। अगर हम एक शब्द में कहें कि यानी कि छात्र का सर्वांगीण विकास, छात्र का सर्वांगीण विकास इस शब्द के अंदर अगर हमारे पास ये शब्द पूछा जाए बच्चों कि व्यापक परिभाषा में हमें शिक्षा से क्या मतलब है, तो यहाँ हमारे इस एक शब्द में सर्वांगीण विकास में व्यापक का हमारा पूरा अर्थ समाहित है। क्योंकि सर्वांगीण विकास का मतलब विद्यार्थी का चहुमुखी विकास, अर्थात सामाजिक, आर्थिक, व्यवहारिक और शैक्षिक, इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति करता है हमारा व्यापक अर्थ। इस व्यापक अर्थ में हम केवल एक शिक्षा संस्थान से शिक्षा ग्रहण करके नहीं होता हमारा सर्वांगीण विकास, इसमें कहा जाता है कि शिक्षार्थी को समाज के तौर पे भी जोड़ा जाता है,
और छात्र जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा ग्रहण करता है, आर्थिक रूप से, व्यवसायिक रूप से, उस तरीके से भी हम शिक्षा को जोड़ते हैं। व्यवहार कि बच्चा किस तरीके से दूसरों के साथ व्यवहार करता है, ये भी हमारा इस शब्द में जुड़ा होता है। तो व्यापक अर्थ में बच्चों अगर भी शिक्षा की परिभाषा पूछी जाती है हमसे कि व्यापक अर्थ में शिक्षा की परिभाषा क्या होती है, तो इस एक शब्द में हमारी वो परिभाषा छुपी हुई है कि छात्र का सर्वांगीण विकास, जिसमें कि हम सामाजिक, आर्थिक, पूरे तरीके से हम शिक्षक जो छात्र हैं उसका हम क्या कर सकते हैं, सर्वांगीण विकास करते हैं। हम कहें कि शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार सारा संसार हमारी शिक्षा का क्षेत्र है, जिसका उद्देश्य माना जाता है व्यक्तित्व का विकास, छात्र का सर्वांगीण। यहाँ छात्र की जगह हमारा व्यक्तित्व भी आ सकता है बच्चों, उसमें आप कंफ्यूज मत होना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, क्योंकि व्यक्ति कौन है, छात्र, और व्यक्तित्व यानी स्वयं क्या, यानी छात्र का स्वयं का सर्वांगीण विकास। ये हमारे जीवन के जो कुछ व्यर्थ होते हैं उनको सीखते रहे, अतः हमारा खुद का ये लक्ष्य होता है कि हमारी जो शिक्षा है वो शिक्षा भी हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हमारी निरंतर हमारे साथ आगे तक चलती रहे, तभी तो हमारा सर्वांगीण विकास होगा। अगर शिक्षा हमारी जहाँ एक तक रुक जाती है वहाँ हमारी शिक्षा का विकास नहीं होता। तो हमें अगर हमारी शिक्षा का विकास करना है बच्चों का, हमें तभी हमारी शिक्षा का व्यापक अर्थ में इसका निकलेगा जब हम छात्र का सर्वांगीण विकास करेंगे। अब बच्चों दूसरा क्या है हमारा, संकुचित। संकुचित से मतलब जो बहुत उसका दायरा छोटा होता है, संकुचित का मतलब छोटा, जहां हम कहां लेते हैं, सिर्फ छात्र कहां से लेते हैं शिक्षा, जो हम सिर्फ शिक्षण संस्थानों तक सीमित है, यानी कि जो शिक्षा हमारी, यानी कि शिक्षा में केवल शिक्षा, केवल यानी कि छात्र की जो शिक्षा है, छात्र की शिक्षा, छात्र छात्र की शिक्षा, शिक्षा कहां तक है हमारी, शिक्षण संस्थानों तक सीमित, शिक्षण संस्थानों तक सीमित, यानी कि जहां हम केवल, यानी बच्चों जहां हम केवल और केवल हम शिक्षित होते हैं। इसीलिए शिक्षा को दो अर्थों से जोड़ दिया गया, शिक्षा की जो परिभाषा है वो अलग अलग शिक्षाविदों ने अपने तरीके से दे दिया, क्योंकि अगर हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो शिक्षा का दायरा हमारा बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसे व्यापक अर्थ से जोड़ दिया गया। और जहां संकुचित बहुत छोटा अर्थ होता है हमारा, इसको अगर हम समाहित करें तो इसके लिए हमारी शिक्षा को सिर्फ संस्थानों से जोड़ा गया, यानी कि जो शिक्षा हम कहां से ग्रहण करते हैं, शिक्षण संस्थानों से, ये हमारा अर्थ होता है इसका, कि शिक्षा केवल हम केवल शिक्षण संस्थानों से दी जाती है, इसका एक निश्चित हमारा पाठ्यक्रम होता है और उसकी अवधि होती है। इस चीज में ध्यान रखना बच्चों, दो चीज आ सकती है संकुचित में, कि हम केवल शिक्षण संस्थानों तक सीमित है, दूसरा हमारे पाठ्यक्रम, हमारा पाठ्यक्रम निश्चित होता है, यानी कि हम शिक्षा किसके आधार पर देते हैं, सिर्फ पाठ्यक्रम पर, फर्स्ट ये हो गया हमारा, सेकंड ये कह सकते हैं पाठ्यक्रम निश्चित होता है, तीसरा हम कह सकते हैं समय अवधि निश्चित होती है, समय अवधि भी हमारी निश्चित होती है, क्योंकि जब भी हम शिक्षण संस्थानों से हम शिक्षा ग्रहण करेंगे वो शिक्षा के लिए हमारे लिए एक हमारी समय टारगेट होता है कि हमारी कहाँ तक की है। और बच्चों जहाँ हमारी सर्व्यापक में है, तो आपको मैंने बताया कि सर्वांगीण विकास जो शिक्षा करती है, सर्वांगीण विकास में हमारी शिक्षा हमें जीवन पर्यंत हम शिक्षा लेते रहते हैं, जीवन पर्यंत हमारी चलती रहती है, निरंतर जीवन में निरंतर हम ज्ञान लेते रहते हैं, निरंतर लेते रहते हैं, ये प्रक्रिया होती है हमारे व्यापक में, जो कि लगातार हमारे किस तरह से कहते हैं ना कि हमारे अंदर जो परिवर्तन समय के आधार पर हम परिवर्तन करते रहते हैं उसके बारे में हम शिक्षा लेते हैं, तो उसी तरीके से हमारा सर्वांगीण विकास होता चला जाता है। तो बच्चों मैंने अभी आपको शिक्षा के बारे में बताया, और ये प्रश्न हमारा जरूर आता है फर्स्ट में कि शिक्षा के बारे में हमसे जरूर पूछा जाता है, चाहे हमारे संकुचित रूप में उसका अर्थ पूछ लें या व्यापक आधार पर हमारे शिक्षा का अर्थ पूछ लें, तो इन चीजों का आप ध्यान रखना है हमें। अब हमारे शिक्षा के बाद में जो हमारा नेक्स्ट बिंदु आता है वो आता है हमारा शिक्षण। शिक्षा क्या होती है हमारी, ज्ञान, जो हमारा हम
एजुकेशन लेते हैं, हमारा नॉलेज हो जाती है। और शिक्षा क्या होती है? इसके अंदर की गई प्रक्रिया, वो हमारी शिक्षण होती है। शिक्षण कौन करवाते हैं? इस शिक्षा की प्रक्रिया को जो हमें करवाते हैं शिक्षक, यानी शिक्षक के द्वारा की गई हमारी प्रक्रिया, जिसका ज्ञान हमें कौन देते हैं? शिक्षक देते हैं। तो ये होती है हमारी शिक्षण। अगर हम शिक्षण के लिए देखें कि हमारी शिक्षण एक हमारी क्या होती है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है, जिसको कि हम अनौपचारिक शिक्षण को हम क्या करते हैं, अगर हम अनौपचारिक शिक्षण लेते हैं, शिक्षा भी हमारी दो होती है, उसे हमने कहां जोड़ दिया, संकुचित और व्यापक में। उसी तरह से जो हमारी शिक्षण है वो भी शिक्षण हमारा दो प्रकार का, शिक्षण दो प्रकार का, यानी कि औपचारिक औपचारिक व अनौपचारिक अनौपचारिक। हम ये चीज जानते हैं कि सबसे हमारी जो प्रथम पाठशाला होती है वो हमारा परिवार होता है। तो अनौपचारिक शिक्षण हम कहाँ करते हैं? समाज से, परिवार से, हमारे पास आस पास के लोगों से। तो ये कहा जाता है कि हमारे जो मुख्य हमारे केंद्र होते हैं अनौपचारिक, वो होता है हमारा परिवार, हमारा समुदाय, हमारा समाज, ये होता है हमारे अनौपचारिक केंद्र में। और औपचारिक केंद्र में क्या होता है बच्चों? औपचारिक केंद्र में आता है हमारा कि औपचारिक केंद्र जब हम, वो ही हमारा संकुचित अर्थ वाला शिक्षण, जो हम किसी शिक्षण संस्थानों से, जो हम शिक्षण प्रक्रिया अध्यापकों के द्वारा करवाई जाती है, वो हमारी शिक्षण प्रक्रिया में आती है। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया को भी हम दो भागों में विभाजन हम कर सकते हैं, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक। अब हम ये देखें कि जो हमारे अनौपचारिक शिक्षा में, जो हमारी दूसरी तरफ जो हमारी औपचारिक शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षण में हम शिक्षण संस्थानों के द्वारा हमारे शिक्षक की इसके अंदर महत्वपूर्ण प्रक्रिया, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक में किसकी होती है? हमारी शिक्षक की। कहां पर? हमारे औपचारिक शिक्षण में। अब आज मैं आपको हमारी जो शिक्षण की परिभाषा है वो मैं आपको कुछ परिभाषाएं बता रही हूँ। उसमें मैंने आपको दो परिभाषाएं यहाँ लिखी है और इसके बाद में भी मैं आपको दो परिभाषाएं बोलकर बताऊंगी, तो आप इस चीज पर ध्यान दें। शिक्षण की परिभाषा, पहला क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है, यानी कि जब हमें शिक्षक हमें शिक्षक जब हमें अधिगम करवाते हैं तो वो अधिगम हमारे लिए हमारा उद्देश्यपूर्ण होता है। हम देखते हैं कि हम जो शिक्षा लेते हैं उस शिक्षा का हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है, हम उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम वो शिक्षा लेते हैं। और वो जो शिक्षण अधिगम हमारे जो उद्देश्य को हमें हमारे पूरा करवाते हैं, अधिगम प्रक्रिया को संपन्न करवाते हैं, वो हमें करवाते हैं हमारे शिक्षक। तो कहते हैं शिक्षण ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है, यानी कि वो हमें एक हमारा उद्देश्य दिखाते हैं और उस उद्देश्य पर चलते हुए हम हमें उसे पूरा करते हैं। तो ये हमारी एक उद्देश्यपूर्ण दिशा होती है। अगर हम दूसरा देखें ये किसकी परिभाषा, कि शिक्षण जो होता है हमारा एक योजनाबद्ध गतिविधि है, इसकी प्रभावशीलता किसकी होती है? शिक्षार्थी की। यानी कि ये हमारे शिक्षण के लिए हम कहते हैं कि शिक्षक, शिक्षण की प्रक्रिया हमारे लिए शिक्षक करते हैं। और ये चीज हमने जानी भी है कि शिक्षक हमें हमारी पूर्व नियोजित जो हमारी प्रक्रिया होती है उसके आधार पर हमें पढ़ाते हैं। तो हुई ये योजनाबद्ध प्रक्रिया, यानी जो शिक्षक के द्वारा पहले से योजनाबद्ध की जाती है। अगर हमें शिक्षण नहीं करवाया जाए तो हम ये योजनाबद्ध प्रक्रिया से हम वंचित रह जाते हैं। तो ये हमारी एक योजनाबद्ध प्रक्रिया होती है, गतिविधि होती है बच्चों। और यहाँ देखो कि ये एक योजनाबद्ध, ये हमें हमसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया है या कैसी गतिविधि है, तो हम यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हैं कि ये एक योजनाबद्ध गतिविधि है, या हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक योजनाबद्ध, जो हमारी योजनाबद्ध प्रक्रिया है जो हमें क्या करती है? शिक्षार्थी को प्रभावशीलता प्रदान करती है। किस तरीके से? शिक्षक अपना जो ज्ञान शिक्षार्थी को देते हैं और उसके माध्यम से वो शिक्षार्थी पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं और शिक्षार्थी को भी शिक्षण प्रक्रिया से प्रभावशील बनाते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हमसे यहाँ पूछ लिए जाते हैं। अगर अब हम देखें इसकी नेक्स्ट, हम इसकी परिभाषा जाने और भी परिभाषा अगर हम जाने, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण हमारी
पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी और शिक्षक के जो हमारे अन्य चर हैं उसको भी सुव्यवस्थित तरीके से हमें क्या करते हैं, संगठित करते हैं। यानी कि जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया होती है बच्चों, वो मैं आगे भी बताऊंगी आपको कि कौन कौन से हमारी शिक्षण प्रक्रिया के चर होते हैं। तो इसमें बताया कि उद्देश्य तो हमारे निर्धारित करते ही हैं, साथ में जो हमारे चर होते हैं उन्हें भी वो सुव्यवस्थित करते हैं कि किस तरीके से उन चरों को ध्यान में रखते हुए हमें कार्य किए जाते हैं। ये चरों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन कौन से इसमें चर होते हैं हमारे शिक्षण की प्रक्रिया में। अगर मैं ओरली आज बता दूं तो शिक्षक और शिक्षार्थी दो हमारे चर होते हैं इसमें, सत्य होता है स्वतंत्र और अस्वतंत्र। इस रूप में मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरीके से ये हमारी एक योजना उन चरों के लिए हमारे पूरी करती है। तो बच्चों, ये हमारी आज की जो वीडियो थी मैं यही समाप्त करती हूँ इसके लिए। लेकिन बच्चों, नेट के लिए आपको अगर अपना टारगेट पूरा करना है तो आप इन छोटी छोटी चीजों पर, मान लिया आपने पढ़ लिया होगा लेकिन अगर हमारी कुछ रिवीजन हो जाए, आसान भाषा में हो जाए, तो उसे समझने में शायद हमें बहुत आसानी होती है। इसीलिए और साथ में एक पेपर जहाँ हमारे लिए कंपल्सरी सभी विषयों के लिए लागू है, तो बच्चों शायद आपको लिए जो मैं ये वीडियो लेके आऊँ, कहीं आपके कुछ अगर हमारा एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन भी हमारे सही होते हैं तो उसके लिए मैं इस चीज के लिए मानूंगी कि आपके लिए मैंने कुछ किया। या ये कहें कि आप इसको एक दोहरान समझकर भी आप इसको अपना रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद।